बात करेंगे एप्टीट्यूड में सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन के लिए वैसे कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई इसका लॉजिक नहीं होता, लेकिन हमें इसमें कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं क्वेश्चन को लेके क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसके लिए एक क्वेश्चन लेता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है 2x, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके, 1 + 1 upon 1 + x upon 1 - x equals to 1। हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ x। देखिए देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करें, और इसमें x कितनी जगह आया, 1, 2, 3 तीन जगह x आया, हमें इससे x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम करेंगे क्या, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों के पास रूल क्या होता है कि हम सबसे पहले छोटे से छोटे टुकड़े को सॉल्व करते जाएं, उसके बाद बड़े टुकड़े तक पहुंचे। यानी कि सबसे छोटा टुकड़ा क्या है, अभी हमारा सबसे छोटा टुकड़ा ये वाला हिस्सा सॉल्व है, क्योंकि यहाँ पर हमारा हिस्सा, ये हिस्सा अगर देखिए, ये हिस्सा पहले से हमारा इस तरह से है, अगर हम इस हिस्से के साथ इस पूरे हिस्से को सॉल्व कर दें तो क्या होगा, ये हिस्सा सॉल्व होकर एक टर्म बनेगा, उसके बाद फिर हम इस टर्म को सॉल्व कर पाएंगे फिर ऊपर वाले टर्म को। तो इस हिस्से को हम उठाते हैं, ये क्या है, 1 - x upon 1 - x। देखिए जब हम लोग फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ तो सिंपल सा इसका इसमें मल्टीप्लाई करके प्लस इसको x को प्लस कर देना है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, इसका एलसीएम उसके नीचे 1 माना, 1 माइनस एक्स इसका एलसीएम आया, तो इसका यहाँ पे आएगा 1 - x (1 + x। यानी कि इसका यहाँ मल्टीप्लाई क्योंकि एलसीएम लिया है, इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो आएगा 1 - x (+x) upon 1 - x। देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1 upon 1 - x, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1 upon 1 - x। तो सिंपली इसकी जगह हम यहाँ पे इसको हटा के इसकी जगह इसको लिख देते हैं 1 upon 1 - x। अब इसको सॉल्व करने के बाद मैं इसको एरेज कर दे रहा हूं। अब देखिए क्या हो क्या गया है, यहां पे हमारे पास आया है, अब देखिए इस हिस्से को देखेंगे अगर इतने हिस्से को, तो ये क्या है 1 upon 1 upon 1 - x। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए अगर हमारे पास लिखा है 1 upon 2 और इसको अगर हम लिख दें 1 upon 1 upon 2 तो ये सिंपली 2 ऊपर आ जाता है। अगर हम लोग उसकी बात करें फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि 1 upon 2 upon 3 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि अपॉन में जो है अगर इसको ऊपर ले जाना तो इसको पलट देते हैं, तो 3 upon 2 हो जाता है। सीधा सीधा अगर 1 का अपॉन में कुछ है और वो अपॉन में है तो उसको पलट देंगे तो हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। इसी तरह से इसको जो हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 1 - x, तो इसकी जगह आ जाएगा क्या, पूरे की जगह आ जाएगा 1 - x। तो यहाँ पे हम लोग इसकी जगह रख देते हैं टोटल 1 - x, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 - x। और देखिए अब कितना छोटा क्वेश्चन बन गया, तो इसको अब हम जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x upon 2 - x, 1 + 1 = 2, 2 - x = 1। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा 2x, इस तरफ जाएगा तो आएगा 2 - x, इस तरह से आएगा 2 - x। अब x को इस तरफ ले आएंगे तो ये आएगा आपका 3x = 2, और जब हम 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो देखिए इधर मल्टीप्लीकेशन में तो उधर आएगा डिवीजन में तो ये आ जाएगा 3, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2 upon 3। तो इस तरह से हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जो लंबा सा क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग गॉडमास में क्या करते हैं कि सबसे पहले छोटे से छोटे सिंबल को यूज करते हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर लगे हुए हैं, कोष्टक लगा है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ डिवाइड है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट के बाद डिवाइड को, फिर मल्टीप्लीकेशन को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो उसी तरह से हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने सारे जिस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं सिंप्लीफिकेशन में सबका एक एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, हमारे पास यहाँ दिया हुआ है x ऑपरेटर, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ना समझे इसको, अगर ये दिया हुआ है इसका मतलब कोई ऑपरेटर है, x ऑपरेट्स y, x यानी बाइनरी ऑपरेटर इंटू y इक्वल टू x² +
y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x इनटू y. अगर ऐसा दिया होगा हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9 स्टैटिक 11, ये एग्जाम क्वेश्चन में आया हुआ है. जनरली इसको क्या करते हैं लोग, 9 मल्टीप्लाई 11, सीधे सीधे सोचते हैं 99 आंसर आएगा, लेकिन ये आंसर नहीं आएगा. इसको हमें इस फॉर्मूले में रखना है, यानी कि इसका क्या मतलब है उसका मतलब यहाँ पे दिखाएंगे. तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये इस तरह से सॉल्व होगा. यहाँ पे आप x इक्वल टू रखेंगे 9 एंड y इक्वल टू रखेंगे 11. देखिए इस फॉर्मूले में रखेंगे तो इस फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, 9 बाइनरी ऑपरेटर या एनी ऑपरेटर और 11, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 11. ये वैल्यू आएगी 81 प्लस 121 माइनस के 99, और इसकी फाइनल वैल्यू आएगी 103. तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो ध्यान रखिए यहाँ पे हो सकता था कि यहाँ पे इस तरह से भी आता 9 इंटू 11. और अगर ऐसे इंटू की जगह ये फॉर्मूला दिया होता तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते. इसका मतलब यह है कि ये कोई सिंबल है, इंटू नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो कोई सिंबल है, सिंबल है जिसका मतलब यहाँ पे डिफाइन है कि सिंबल का क्या मतलब होता है. तो इस तरह से आपको सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं. इसके अलावा क्वेश्चन किस तरह से मिल सकते हैं वो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, ए एनी ऑपरेटर बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी. इस तरह से भी हमें क्वेश्चन दिया रहेगा और यहाँ पे हमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, थ्री स्टैरिक माइनस वन. अब देखिए यहाँ पे भी कन्फ्यूजन क्या हो जाता है कि हमें अगर हमें क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो हमें पता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टर्म ए है एक टर्म ए है और ई वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये तो सही है, लेकिन हम यहाँ पे इनसाइड भूल जाते हैं कि इनसाइड भी ये माइनस वन से मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, यहाँ भी ऑपरेटर है. सबसे पहले हमें क्या करना है, या फिर हम लोग क्या करते हैं पहले इसको सॉल्व कर देते हैं. हमें पहले इस कोष्टक को सॉल्व करना है जैसे कि बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग होता है. तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या आएगा, एक्स सॉरी यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ए इक्वल टू थ्री एंड बी इक्वल टू माइनस वन. अब देखिए इस वाले फॉर्मूले को यहाँ रखेंगे तो ए स्क्वायर एक बी क्या होता है, ए बी अपॉन ए प्लस बी. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्री स्क्वायर एक माइनस वन, ये वाला अंदर वाला तो आएगा थ्री मल्टीप्लाई बाई माइनस वन अपॉन थ्री प्लस माइनस वन. इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का थ्री, ऊपर माइनस का थ्री आएगा, नीचे आएगा थ्री में से यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का टू, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस के थ्री बाई टू. तो अभी इसकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस सॉरी यहाँ पे आ जाएगा थ्री ऑपरेटर माइनस के थ्री बाई टू. अब देखिए अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होकर यहाँ आया, फिर से यही सेम फॉर्मूला लग रहा है. यहाँ पे हमारे ए की वैल्यू क्या है, थ्री है, और बी की वैल्यू क्या है, माइनस का थ्री बाई टू. फिर से फॉर्मूले में रखेंगे तो थ्री ऑपरेशन माइनस थ्री बाई टू, उसकी वैल्यू आएगी थ्री इसके अकॉर्डिंग इन टू माइनस का थ्री बाई टू अपॉन थ्री प्लस माइनस का थ्री बाई टू. जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसका जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो आएगा 9 बाई टू माइनस का 9 बाई टू, नीचे आएगा तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 माइनस 3 बाई टू. देखिए इसको जब सॉल्व करते हैं तो 3 टू 6 6 यानी कि ये आपका नीचे आएगा माइनस का 9 बाई टू अपॉन 3 बाई टू. देखिए जब माइनस का 9 बाई टू और 3 बाई टू, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ आएगा सीधे सीधे माइनस 3. ये कैसे आ रहा है उसको ऐसे समझते हैं, माइनस का 9 बाई टू अपॉन 3 बाई टू, और जब अपॉन वाले की चीज को ऊपर ले जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो माइनस के 9 बाई टू इंटू 2 बाई 3, देखिए 2 से 2 कैंसिल, 3 3 जा माइनस 3, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस 3. तो इस तरह के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन वहां देखने को मिल सकते हैं जो कि देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं लेकिन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वीडियो में हम लोग इसके आगे सिंप्लीफिकेशन के कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं. ये सिंपल से क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम जो कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो कि देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं लेकिन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.